अस्सलामुअलैकुम सोल ब्रदर्स, इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं दो नहीं पूरी 30 ऐसी यूनिवर्सिटीज के नाम बताने वाला हूँ इटालियन यूनिवर्सिटीज के, जिसमें आपको एप्लीकेशन फ़ी नहीं देनी पड़ती और आपका डायरेक्ट विदाउट एप्लीकेशन फ़ी एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली यूनिवर्सिटीज जो हैं ऐसी हैं कि जिधर आपको एप्लीकेशन फ़ी देनी पड़ती है, और अक्सर स्टूडेंट्स इसी वजह से एडमिशन ही अप्लाई करते हैं क्योंकि एप्लीकेशन फ़ी काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर 30 यूरोज़ भी हों तो पाकिस्तानी वो तकरीबन 10,000 बन जाते हैं। तो 2-3 यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई करने लगे तो उसमें उनका तकरीबन 30,000-40,000 लग जाता है, और उनको ये भी कंफर्म नहीं होता कि उनको एडमिशन मिलेगा या नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको 30 यूनिवर्सिटीज के नाम बताऊंगा और साथ में उनके कोर्सेज भी दिखाऊंगा अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे, जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप कोशिश कीजिएगा कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी देख सकें जिन जिन में आपका कोर्स अवेलेबल हो, क्योंकि एप्लीकेशन फ़ी नहीं है तो सब में आप अप्लाई कर दें। तो इसीलिए मैं जो मोस्ट पॉपुलर और टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ होंगे उनके मैं कोर्सेज भी दिखाऊंगा और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखाऊंगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट का नहीं पता चलता कि इटली की कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है, कौन सी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर वो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिधर आप कोर्सेज देख सकते हैं। तो इसीलिए मैं इधर अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको उनके ऑफिशियल अकाउंट्स, उनके ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखाऊंगा, ताकि आप उधर डायरेक्ट जाके अपने कोर्सेज देख सकें और उधर अप्लाई कर सकें। और इसी तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए इटली से रिलेटेड या यूरोप में स्टडी से रिलेटेड अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए। क्योंकि ये 30 यूनिवर्सिटीज हैं, तो अगर मैं अब हर यूनिवर्सिटी का लैपटॉप पे दिखाने लग गया तो ये वीडियो तकरीबन 1 घंटे की बन जाएगी। तो इसीलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज और टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज हैं उनको मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखाऊंगा और उनकी वेबसाइट्स भी दिखाऊंगा और उनके कोर्सेज भी दिखाऊंगा। और इसके अलावा वो यूनिवर्सिटी जो इतनी पॉपुलर नहीं है, इतनी फेमस नहीं है, उनके मैं डायरेक्ट आपको नाम बता देता हूँ। अगर आपका कोर्स इन बाकी यूनिवर्सिटीज़ में ना हुआ तो इसमें जाके आप डायरेक्ट इनके भी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके आप अपना कोर्स ढूंढ सकते हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ के नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैगलियरी है, एक यूनिवर्सिटी ऑफ इंसुर्बिया, यूनिवर्सिटी ऑफ मोडेना, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रिस्टे, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेस्चिया और यूनिवर्सिटी ऑफ उडाइन। ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आप अपना कोर्सेज ढूंढ सकते हैं अगर आपको इन टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज में अपना कोर्स ना मिला। तो आइए लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी में जिसमें एप्लीकेशन फ़ी नहीं है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ सैपियंजा। तो इसकी सर्च बार में भी मैंने इंग्लिश प्रोग्राम लिख दिया था, यूनिवर्सिटी ऑफ सैपियंजा इंग्लिश प्रोग्राम, ताकि हमारे पास डायरेक्ट वो लिंक आ जाए जिससे हम इनके प्रोग्राम देख सकें। तो ये हमारे पास आ गया लिंक। तो अब इसमें जाके मैं इनके इंडिविजुअल प्रोग्राम्स देखूंगा। बैचलर्स के इनके कम प्रोग्राम्स हैं, लेकिन हैं फिर भी कंप्यूटर साइंस है, क्लासिक्स बीए क्लासिक्स ग्लोबल ह्यूमैनिटीज़ है। तो मास्टर्स के प्रोग्राम्स काफ़ी ज़्यादा हैं। मास्टर्स के प्रोग्राम अब मैं इंडिविजुअली नहीं बोल सकता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह सब के मतलब के मोस्टली प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। इसको आप पॉज करके भी अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आपके जो आपका प्रोग्राम है उसको आप फॉलो कर सको। जो दूसरी यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी ऑफ बरगामो है। इसके भी हम मास्टर्स के प्रोग्राम इंग्लिश में देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम ये यूनिवर्सिटी करवा रही है। इसमें हम इसकी वेबसाइट पे आ गए हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे जाके देखेंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम करा रही है। इंजीनियरिंग अप्लाइड साइंसेज, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स क्वांटिटेटिव। ये सारे प्रोग्राम्स आप इनका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा जो है ये भी, इसकी भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं चाहिए होती इसमें भी। तो इसको सर्च करते हैं और साथ में मैंने इंग्लिश प्रोग्राम भी लिख दिया, ताकि वह डायरेक्ट हमारे पास उसी की वेबसाइट है जिसमें हमने जो हमें ज़रूरत है जिसकी। अभी पहले इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसको स्क्रोल डाउन करके देखते हैं। फर्स्ट साइकिल एंड सिंगल साइकिल डिग्री, ये मेडिसिन एंड सर्जरी, ये MBBS भी करवाती है ये यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा। और सेकंड सिंगल साइकिल डिग्री, ये आप अपने प्रोग्राम देख सकते हो इसमें, अगर आपका कोई रिलेटेड प्रोग्राम है तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इंजीनियरिंग फॉर फूड इंडस्ट्री, लैंग्वेज साइंस एंड कल्चरल स्टडीज़ फॉर स्पेशल नीड्स, ये सारे आप प्रोग्राम देख सकते हैं। एडवांस्ड ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग,
ये सारे जितने भी आपके रिलेटेड फील्ड्स हैं वो देख सकते हैं। और अभी हम यूनिवर्सिटी ऑफ पलेर्मो के इंग्लिश कोर्सेज, इंग्लिश प्रोग्राम्स को देखते हैं। इसको भी पहली हमारे वेबसाइट इसकी ही आई है, तो इस पर भी जाके देखते हैं कि इनके कौन कौन से प्रोग्राम था। ये आप देख रहे हैं इंटरनेशनल जो प्रोग्राम्स जो ये करवा रही है इंग्लिश में, उनकी ये लिस्ट है। डिग्री इन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल साइंसेस, ये देखें यूनिवर्सिटी इन बिजनेस इकोनॉमिक साइंसेस। अब ये यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा के इंग्लिश प्रोग्राम्स देख लेते हैं। ये काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, इसमें काफ़ी मुश्किल से एडमिशन मिलता है, काफ़ी अच्छा आपका CGPA तभी ही मिलता है आपको, वैसे नहीं मिलता। इसको स्क्रॉल डाउन करके देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स आप मास्टर्स के लिए या बैचलर्स के लिए या PhD के लिए भी आपको कौन कौन से प्रोग्राम्स मिल सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी कोर्सेज भी करवा रही है, डिग्री भी करवा रही है। तो जो अक्सर लोग कहते थे कि कोर्सेज कौन से हैं, तो वो ये वाले कोर्सेज कर सकते हैं। एरिया एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी साइंसेज, एरिया इंजीनियरिंग, हेल्थ साइंसेज, ये काफ़ी प्रोग्राम्स हैं जो ये कोर्सेज हैं, ये प्रोग्राम्स नहीं हैं, ये डिग्री प्रोग्राम्स। नीचे ये देखें डिग्री प्रोग्राम्स हेल्ड इन इंग्लिश, इसमें भी आप इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़, एरिया मैथमेटिकल, फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेज। और इसके बाद बैचलर्स की डिग्री प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं, इसमें दो ही हैं मेरे ख्याल से, बैचलर्स डिग्री इन ह्यूमैनिटीज़ और बैचलर डिग्री इन मैनेजमेंट फॉर बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। तो इसमें भी आप ले सकते हैं एडमिशन। और मास्टर्स जो है इधर 2 साल का है, और इसमें जो इन्होंने प्रोग्राम्स दिए हुए हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं। और जिन प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो डायरेक्ट आप इसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आएँ और अपने प्रोग्राम पे क्लिक करें और उसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फॉलो कर सकते हो। इससे आपको ये होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका इधर एडमिशन हो सकता है या नहीं एडमिशन हो सकता। तो PhD के प्रोग्राम्स भी हैं, PhD के भी ये देख सकते हैं, PhD इन बायोलॉजी केमिस्ट्री मटेरियल साइंस, PhD इन कंप्यूटर साइंस, PhD इन इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, PhD इन फिज़िक्स। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस, ये भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, और जिस ये शहर में है फ्लोरेंस, वो काफ़ी बहुत प्यारा शहर है, तो इधर भी लोग काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है ये, और अक्सर लोग इसमें इधर भी अप्लाई करते हैं। लेकिन जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी होगी उसकी रिक्वायरमेंट्स भी उतनी ही टफ होती हैं। तो ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आप जिस भी प्रोग्राम हर यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है, लेकिन साथ में ये भी देखना कि आप उसकी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतर भी रहे हो या नहीं, ठीक है। क्योंकि इस तरह एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे तो आपके लिए इशू बनेगा। तो इधर जो हमारे पास है फर्स्ट साइकिल डिग्री, सेकेंड साइकिल डिग्री, मास्टर कोर्सेज, एडवांस्ड कोर्सेज, ये सारे कोर्सेज जो है ना आप देखें, ऊपर बैचलर्स के हैं, बैचलर्स का एक कोर्स है, मास्टर्स के ज़्यादा कोर्सेज हैं, तो इसमें आप अपना कोर्स देख सकते हो जो आपको करना हो। इसके बाद इन्होंने शायद PhD के भी कोर्सेज दिए हैं, अगर PhD के कोर्सेज भी दिए हैं तो वो भी देख लेते हैं। जैसे ये PhD के कोर्सेज हैं, इसमें किसी ने PhD के लिए आना है तो वो इनको फॉलो कर सकता है। अब जो यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैमरिनो है, इसमें भी हम देख लेते हैं कौन कौन से इंग्लिश कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। तो इसमें ये कोर्सेज के ऑप्शन आ रही है, तो इस पे जाके हम देख लेते हैं इनका कि कौन कौन से कोर्स ये करवा रहे हैं इंग्लिश में। ये कोर्सेज वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो इधर इन्होंने हमें अंडर ग्रेजुएट्स के कोर्सेज दिए हैं, मास्टर्स के दिए हैं। तो अंडर ग्रेजुएट्स के पहले कोर्सेज देख लेते हैं। बैचलर लेवल डिग्री है 3 ईयर की, तो इसको भी हम परसू कर सकते हैं। जिन्होंने इधर एडमिशन लेना वो इधर भी एडमिशन ले सकता है। स्कूल ऑफ फार्मेसी भी है, स्कूल ऑफ लॉ भी है, स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है। तो इसमें भी जिन ने अप्लाई करना वो इधर भी अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों को यूनिवर्सिटीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जो है कोर्सेज ढूंढना थोड़ा मुश्किल लगता है, तो उनके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है कि ये masterportal.com, ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, जिसपे आप मास्टर्स, बैचलर्स, हर तरह का प्रोग्राम और हर यूनिवर्सिटी के लिए, दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी के लिए ढूंढ सकते हो कि इंग्लिश में हो या उनकी अपनी लैंग्वेज में। ये मास्टर प्रोग्राम आप देख सकते हैं कि ये मास्टर्स भी करवा रहे हैं इन प्रोग्राम्स में, कंप्यूटर साइंसेस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो इन प्रोग्राम्स को भी अगर आपका इनमें इंटरेस्ट है तो इसको भी आप परसू कर सकते हैं। इसके बाद जो यूनिवर्सिटी हम देखने वाले हैं जिन कोर्सेज और इसकी भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, जितनी भी यूनिवर्सिटी मैं दिखा रहा हूँ इनकी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है,
ये यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना है, इसमें भी हम इसके इंग्लिश कोर्सेज या इंटरनेशनल प्रोग्राम्स, या तो उधर लिखा होगा इंग्लिश कोर्सेज इंग्लिश प्रोग्राम्स, या फिर लिखा होगा इंटरनेशनल प्रोग्राम्स, क्योंकि इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में इंग्लिश ही इनके जो लैंग्वेज है वही होगी। जैसे आप ये इधर देख सकते हैं यूके का फ्लैग भी बना हुआ है इंग्लिश, मास्टर्स डिग्री इन बायोलॉजी फॉर ट्रांसलेशन रिसर्च, मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर, ये आप देख सकते हैं अपनी जो फेवरेट डिग्री हो उसको आप इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी इंग्लिश में ही हैं। इसके बाद जो यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कलाबरी है, ये भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो इसके जैसे आपको पहले ही हाथ पे इनको इंटरनेशनल कोर्सेज कैटलॉग मिल गया, और नीचे लिखा हुआ है लॉरे इन लिंगुआ इंग्लिश, इसका मतलब है इंग्लिश प्रोग्राम्स, तो इसमें भी आप क्लिक कर सकते हैं। थोड़ा सा इटालियन में इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब यही है कि इंग्लिश प्रोग्राम्स ये लोग करवा रहे हैं, तो इसमें आप ये नीचे प्रोग्राम देख सकते हैं, सोशो इकोनॉमिक कोर्सेज एरिया, साइंस कोर्स एरिया, और इन्होंने आगे इटालियन और यूके का फ्लैग भी लगाया, जिससे ये बता रहे हैं कि ये दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। अगर आप इटालियन में करना चाहते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं, और अगर यूके में करना चाहते हैं, इंग्लिश में करना चाहते हैं, तो उसमें भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद जो यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी ऑफ सलेर्नो है, ये यूनिवर्सिटी सलेर्नो जो है ये नेपोली के बिल्कुल पास लगता है, और काफ़ी प्यारी जगह है, मतलब के बहुत ही प्यारी जगह है, और इधर बीचेस भी लगते हैं इसको, तो इसकी यूनिवर्सिटी मैंने खुद देखी थी, तो यूनिवर्सिटी भी काफ़ी प्यारी है। तो इसके भी इंग्लिश प्रोग्राम्स देख सकते हैं, इनमें इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, ये सारे प्रोग्राम जो भी आपके रिलेटेड प्रोग्राम्स होंगे, जो आपकी फील्ड के रिलेटेड प्रोग्राम्स होंगे, आप उनमें अप्लाई कर सकते हो। इटली में काफ़ी फ़ायदा है, जैसे अभी मैंने जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फीसिस नहीं होती, ट्यूशन फीस नहीं होती, और अब आपको मैं ये यूनिवर्सिटीज़ भी दिखा रहा हूँ जिनकी एप्लीकेशन फ़ीस भी नहीं है, तो इससे काफ़ी स्टूडेंट्स इसी वजह से अप्लाई नहीं करते, क्योंकि उनकी एप्लीकेशन फ़ीस देनी पड़ती है। और अब ये यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा और ये भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो इसमें भी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ये यूनिवर्सिटी करवा रही है। तो इसमें बैचलर डिग्री प्रोग्राम हम देख लेते हैं पहले कि कौन कौन सी बैचलर डिग्रीज ये करवा रही हैं, और ये सारी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, ऐसा नहीं कि ये मैं किसी और थर्ड पार्टी ऐप से देख रहा हूँ, तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स आप भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और ये बैचलर्स में एक ही प्रोग्राम करवा रहे हैं, मैरिटाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स इंजीनियरिंग के काफ़ी करवा रहे हैं, और मेडिसिन में मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी करवा रहे हैं, और मैथमेटिक्स भी देख सकते हैं, और पीएचडी में भी ये एक ही प्रोग्राम मेरे ख्याल से करवा रहे हैं इकोनॉमिक्स। और अब जो यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी ऑफ सलेंटो है, सलेर्नो अलहदा यूनिवर्सिटी और सलेंटो अलहदा यूनिवर्सिटी, नेम थोड़े मिलते जुलते हैं, तो इसके भी मास्टर्स प्रोग्राम देख सकते हैं, इसके मास्टर पोर्टल इधर से भी देख सकते हैं वैसे आप, लेकिन आप अपनी तसल्ली के लिए इनके ऑफिशियल वेबसाइट से भी देख सकते हैं, जो इनके ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उनके भी प्रोग्राम उधर इन्होंने दिए होते हैं, उधर भी आप जाकर देख सकते हैं। जैसे ये डिग्री प्रोग्राम से डिपार्टमेंट्स इंटरनेशनल नज़र आ रहा है, तो इधर हम इसको क्लिक करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ये दे रहे हैं। ये कल्चरल हेरिटेज ये देख सकते हैं, इंजीनियरिंग फॉर इनोवेशन, ये आप इंडिविजुअल प्रोग्राम देख सकते हो जो आपके काम के हों, मैथ्स एंड फिज़िक्स में भी आपको मिल रहा है, मैनेजेरियल साइंसेस इसमें है, बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजीज, तो इधर जो जो आपके काम का प्रोग्राम होगा वो आपने उस पर मार्क कर लेना, या आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आप बाद में मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सको, जितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे उतने ज़्यादा आपके एडमिशन के चांसेस इंक्रीज होंगे। बैक जाएंगे और अब दूसरी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मसेराता, इसके भी प्रोग्राम्स देख लेते हैं कि कौन कौन से ये प्रोग्राम्स करवा रही है इंग्लिश में, इसको एक्सेप्ट करेंगे इंग्लिश इन प्रोग्राम्स, इसमें ये काफ़ी तरह के प्रोग्राम्स करवा रही है, इंटरनेशनल पीएचडी प्रोग्राम्स भी हैं, तो इसमें भी देख सकते हैं कि कौन कौन से ये पीएचडी में करवा रही हैं, और साइड पे आप और भी इनके क्वांटिटेटिव मेथड्स, कॉल फॉर एप्लीकेशन, पीएचडी के एडमिशन भी ओपन है इन यूनिवर्सिटी में।